हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू चैनल द बाइकर समीर। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज की इस वीडियो में बात करने वाले अपकमिंग यामाहा एफजेड एस V4 के बारे में। अब आपको पता ही है दोस्तों, वैसे भी जो एफजेड एस है यामाहा की, वो कितनी पॉपुलर बाइक है इंडियन मार्केट में। इस बाइक को हर कोई जानता है और भाई जो यहाँ पे मतलब जो लेजेंडरी बाइक होती है उनमें से एक है एफजेड, क्योंकि एफजेड का अगर आप इतिहास पढ़ेंगे तो वो आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाएगा। देखिए, मेरे हिसाब से जो एफजेड एस है यामाहा की, भाई इंडियन मार्केट में पॉपुलर भी है और लोग इस बाइक को काफ़ी ज़्यादा पसंद भी करते हैं। अब बात आती है कि भाई यामाहा इसमें अपडेट कब करेगा तगड़ा वाला अपडेट, क्योंकि इस बाइक में काफ़ी सारे इशू आपको देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि आपको बताना चाहूँगा कि इस बाइक में दोस्तों सबसे पहला जो इशू है वो पावर को लेकर है। पावर की वजह से ना इस बाइक की सेलिंग बहुत ही डाउन है। अगर यामाहा वाले कोई भी अगर मेरा वीडियो देख रहा है तो भाई आप लोग से रिक्वेस्ट है कि पावर थोड़ा सा बढ़ाइए, अपना दिमाग का लॉजिक लगाइए कि 150 पल्सर जो कि एक स्पोर्ट्स सेगमेंट बाइक में नहीं आती उसमें ज़्यादा पावर मिलता है और एफजेड एस में 12.4 का पावर दे रहे हैं आप, तो ये कोई लॉजिक नहीं होता। तो भाई ये सारी चीज़ें हैं। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले अपकमिंग एफजेड एस V4 के बारे में। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करना, बहुत जल्दी 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले हैं। तो चलिए आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेंगे स्टेप बाय स्टेप कि क्या क्या चेंजेस की नीड है और क्या क्या नीड जो चेंजेस है वो हो सकते हैं। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया पावर फिगर, अगर दोस्तों आप एफजेड एस का पावर फिगर देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक चीज़ महसूस होगी कि बाइक का जो पावर है ना वो बहुत ही कम है। और बाइक को नहीं लेने का सबसे बड़ा रीज़न जो होता है यही होता है कि भाई जो लोग हैं पावर को देख कर ना थोड़ा पीछे हट जाते हैं। इस बाइक में आपको ओनली 12.4 के आसपास का पावर मिलता है, जी हाँ, जो कि मेरे हिसाब से पल्सर 150 में भी इससे ज्यादा पावर आता है। तो ये चीज को यामाहा को समझना चाहिए। तो इस बाइक में सबसे पहला चेंज नीड भी है और भाई आ भी सकता है, 15 to 16 PS के आसपास का जो पावर है आपको नई वाली एफजेड एस में देखने को मिल जाएगा। और टॉर्क एटलीस्ट 14 तो होना चाहिए, 14 न्यूटन मीटर के आसपास का टॉर्क आपको इस बाइक में मिल जाएगा। अगर ये चीज़ अपडेट की तो बाइक बहुत ही बेटर हो जाएगी, पहला स्टेप। सेकंड स्टेप के बारे में बात कर ले दोस्तों, तो वह है इस बाइक की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, बाइक का डिज़ाइन। अब दोस्तों डिज़ाइन में जो एफजेड एस को अगर आप अच्छी तरीके से देखेंगे तो रियर से तो ये बाइक बहुत ही प्यारी लगती है, लेकिन जो फ्रंट लुक है ना मुझे थोड़ा सा पसंद नहीं आता। फ्रंट लुक से बाइक बिल्कुल भी एरोडायनेमिक नहीं लगती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा यामाहा को एरोडायनेमिक में काम करना चाहिए। अगर बाइक थोड़ा एरोडायनेमिक हो, इसका डिज़ाइन थोड़ा बेटर हो, ये सारी चीज़ों में अगर यामाहा काम करेगा तो मेरे हिसाब से दोस्तों ये बाइक और भी पॉपुलर हो जाएगी इंडियन मार्केट में। वैसे भी आपको पता है भाई एफजेड एस काफ़ी पॉपुलर है यार, ये लेजेंडरी बाइक है। आप एक बार इसकी हिस्ट्री तो खोल कर देखिए, लेजेंडरी बाइक में इसका नाम आ जाता है। बात कर ले दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में, तो है दोस्तों इस बाइक का ग्राफिक्स। अब दोस्तों ग्राफिक्स को भी लेकर आपको पता है कि यामाहा ने अपनी MT15 में नए और काफी अच्छे खासे ग्राफिक दिए हैं। तो अब कहीं ना कहीं MT15 में अगर ग्राफिक देते हो आप तो ऑब्वियसली बात है यहां पे हक है हमारी एफजेड एस का। V4 में भी आप काफी अच्छे अच्छे ग्राफिक देने पड़ेंगे और काफी अच्छे अच्छे ग्राफिक आएंगे। वैसे भी यामाहा अपनी बाइक्स में काफी ध्यान देता है। बात कर ले दोस्तों इस बाइक के नेक्स्ट चेंजेस के बारे में, तो है दोस्तों इस बाइक का इंस्ट्रूमेंट कंसोल। अब दोस्तों इंस्ट्रूमेंट कंसोल ऐसा नहीं है कि आपको फीचर्स नहीं मिलते, फीचर्स में काफी अच्छे मिलते हैं, बट आजकल इंडियन मार्केट में क्या हो रहा है आपको पता है, फीचर्स के साथ साथ बाइक में भाई मेरे हिसाब से लुकिंग वाइज इंस्ट्रूमेंट कंसोल भी होना चाहिए, तभी जाकर ये अच्छा लगेगा। तो मेरे हिसाब से दोस्तों अब आप लोगों को नए वाली जो एफजेड एस आएगी इसमें आपको नया इंस्ट्रूमेंट कंसोल देखने को मिलेगा और कहीं ना कहीं उसमें जो फीचर्स है काफ़ी सारे मिलते हैं और भी नए फीचर्स रहेंगे जो कि नेक्स्ट जनरेशन वाले, वो भी आपको इस बाइक में देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर अभी जो एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है वो लगे वाला है इस बाइक के सस्पेंशन के बारे में कि क्या सस्पेंशन आपको मिल सकते हैं नए वाले जो कि USD फॉक्स हो सकते हैं। तो इसके चांसेस ऐसा लगता है कि मुझे थोड़ा सा कम है, लेकिन अगर हो जाए तो बेटर है, बट थोड़ा सा अब इसके चांसेस कम है। लेकिन मेरे हिसाब से अगर यामाहा ये चीज़ ध्यान देता है तो फिर इस बाइक में अगर आपको USD फॉक्स सस्पेंशन मिलेगा तो उसका एक डिसएडवांटेज भी हो जाएगा कि बाइक का जो प्राइस है ना भाई वो भी बढ़ जाएगा। ऑब्वियसली बात है यार, अगर अपडेट करेगी कंपनी तो प्राइस तो बढ़ाएगी, लेकिन अब देखते हैं ऐसा होगा या नहीं होगा। बाकी मेरे हिसाब से भाई अगर हो जाए तो और बेटर है, बाकी थोड़ा बहुत अगर प्राइस बढ़ा के यामाहा लॉन्च करती V4 को तो अभी भी ये बाइक की सेलिंग काफ़ी हो जाएगी। तो बात कर ले दोस्तों इस बाइक के प्राइस के बारे में कि कितना प्राइस बढ़ेगा। अब ऑब्वियसली बात है प्राइस तो बढ़ेगा। देखिए मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कि 8,000 से 10,000 रुपए, जी हाँ, 8,000 to 10,000 रुपीज के आसपास का जो प्राइस है वो यामाहा अपनी तरफ से बढ़ा सकता है इस बाइक में। और अगर बात कर ले दोस्तों इस बाइक के लॉन्च डेट के बारे में, तो आने वाले 4 से 5 महीने के अंदर आपको नई वाली V4 देखने को मिल सकती है, मतलब कि एफजेड एस V4। कौन कौन इस बाइक का वेट कर रहा है, कौन कौन इस बाइक लवर है, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी, लाइक करना, चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।